आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक नेहरू युवा मंडल के सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। फ्रीडम रन का आयोजन पैडलेगंज से नौका विहार तक किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय गान गीत भी गाया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने बताया कि आम लोगों तथा युवाओं में शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर फिट इंडिया के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता आए और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। उन्होंने कहा कि शरीर अगर फिट है तो सभी साधियों की पूर्ति की जा सकती है। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे द्वारा किया गया। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर अंशुमन सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक, पुलिस अधीक्षक यातायात राम सेवक गौतम, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी आले हैदर, भाजपा के क्षेत्रीय संयोजक प्रेमनाथ शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सीमा पांडे, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे तथा SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, आदरणीय श्रीमान श्री SP गौतम जी उपस्थित हैं, जोरदार तालियां सर के लिए बजाइए। कभी करना है उसमें आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है आधे घंटे तक, जिसके वजह से आप फिट रह सकें। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, जल जल तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे पांडे, नेहरू युवा केंद्र, जिला युवा अधिकारी। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आज एक फिट इंडिया फ्रीडम रन की रैली निकाली जा रही है, जो कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के समारोह पर मनाई जा रही है। कितने बच्चे शामिल हैं इसमें? लगभग 250 से 300 के करीब बच्चे शामिल हैं। कहाँ से कहाँ तक निकाला जा रही है ये? सुभाष चंद्र बोस चौक से लेकर नौका विहार तक निकाली जा रही है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के इस जश्न के अंतर्गत आज से लेकर 2 अक्टूबर तक फिट इंडिया का जो खेल मंत्रालय के माध्यम से इस कार्यक्रम में आज पैदल मार्च यहाँ पे हो रहा है और युवा आधा घंटा या कोई भी अपने को स्वस्थ रहने के लिए अगर अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज करे, टहले, योग करे तो हमें नहीं लगता कि कोई भी बीमारी उसको छू पाएगी, क्योंकि हमारे शरीर की कोई भी अगर कमी रहती है तो हमें व्याधियां हमें पकड़ लेती हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है कि अगर हमारे अंदर हम चल रहे हैं, पैर में मोच आ गया और तो हम लड़खड़ा के चलेंगे, क्योंकि वहां पे हमारी एक नस दब गई है। उसी तरह हम ऐसा चले कि हमारा पैर कहीं मोच न पड़े, हमारा शरीर में भोजन हम लोग ऐसा करें कि हमारा हम स्वस्थ रहने के लिए हम भोजन करें। स्वाद ग्रंथि जो छोटी सी होती है उसके उसका गुलाम हम ना बने, हम अपने को स्वस्थ रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में खेल मंत्रालय ने जो योजना बनाई है बहुत ही सराहनीय है।
आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया इन लोग अपने लोगों के बीच में, मैं इन लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। युवा हैं, ये राष्ट्र के भविष्य हैं, राष्ट्र को माँ भारती को आगे बढ़ाने में ये पूर्णता स्वस्थ रहते हुए आधा घंटा रोज खुद को देते हुए आगे बढ़े और माँ भारती का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिट इंडिया और अमृत महोत्सव के तहत जो है एक कार्यक्रम युवा जो विभाग है, खेल एवं युवा विभाग, जिसमें मैडम सीमा पांडे जो के द्वारा ये आयोजित कराया गया, और इसमें सौजन्य जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम साहब का भी रहा, और ये रेस का कंपटीशन कराया गया, जिससे आम लोगों में और साथ ही साथ विशेष रूप से युवाओं में शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, फिट इंडिया के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता आए और लोग अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। जो माननीय जो है प्रधानमंत्री साहब की सोच है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यदि फिट है तो सभी से जो है साध्यों की पूर्ति की जा सकती है, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने और सभी जो है खेल प्रेमियों ने और यहाँ के संभ्रांत नागरिकों ने और सभी जो अधिकारी हैं जो इस संबंधित जुड़े हुए हैं, सभी ने सहभागिता की और बहुत अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया गया। मैं विशेष रूप से जो खेल की इसके समन्वयक हैं मैडम सीमा पांडे, उनके लिए विशेष रूप से अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और सभी सहभागियों को भी शुभकामनाएं देता हूं।